बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक ग्राफ गिवन है जिसमें एक रेक्टेंगल है और दूसरी ट्राइंगल है ग्रीन। हम शुरू करते हैं। सपोज अ बॉडी इज मूविंग with initial velocity vi and after some time t its velocity will become vf ab yahan pe body ne kitna distance cover kiya a o d b to ye jo sara hai iska area agar hum find kar lein that will be distance covered by the body। यानी कि हमने एक rectangle का area find करना है और दूसरा triangle का area find करना है। अगर हम दोनों को add कर देंगे तो हमारा total distance आ जाएगा। अभी s जो है ना वो हमें पता है, उसमें आ जाएगा area of rectangle plus area of triangle। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अभी आप रेक्टेंगल को देखें तो उसमें जो हमारे पास लेंथ है वो है ओ डी या ए सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसी तरह ट्राइंगल देखें तो बेस कितना है ए सी और हाइट कितनी है बी सी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ओ डी किसके बराबर है? ए सी के, और दोनों टी के बराबर हैं, और ओ ए वी आई के बराबर है। इसी तरह ए सी टी और बी सी जो है ना वो छोटा पोर्शन है जिसको हम लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। वी एफ माइनस वी आई, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो वहाँ से हमने वी एफ माइनस वी आई निकाला जो कि किसके बराबर है ए टी के। तो ये जो वी एफ माइनस वी आई है इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? ए टी। अभी हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी रिक्वायरमेंट।